हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। आज इंडियन हिस्ट्री करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने बुद्धिज्म, जैनिज्म और मगध एम्पायर की शुरुआत कर दी थी। एंड लेट अस रिवाइज अ बिट ऑफ द लास्ट लेक्चर। सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस जैनिज्म एंड मगध एम्पायर। छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, आप लोगों ने किया होगा बट थोड़ा सा और कर लेते हैं। In Jainism, there is a belief in certain masters called तीर्थंकर। तीर्थंकरों में विश्वास है कि मास्टर्स आते हैं, पाथफाइंडर्स आते हैं रास्ता दिखाने मानवता को, मानव जाति को। और 24 मास्टर्स अब तक आ चुके हैं। There have been 24 तीर्थंकर्स so far। First of them was Rishabha Dev, 23rd was Parshvanath and 24th was Vardhamana Mahavira। So real founder of Jainism was Vardhamana Mahavira, वैसे माना जाता है ऋषभ देव को। तो ये आस्था तीर्थंकरों में, जैनिज्म में है। थोड़ा उनकी लाइफ के बारे में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वर्धमान वाज बोर्न इन कुंदग्राम इन 540 बीसी टू फादर सिद्धार्थ एंड मदर त्रिशला। एंड सिद्धार्थ हिज फादर वाज रूलर ऑफ कुंदग्राम एंड ऑन कुंदग्राम रूल्ड द ज्ञात्रिक डायनेस्टी। जैसे गौतम बुद्ध की डायनेस्टी शाक्त थी, वर्धमान की डायनेस्टी ज्ञात्रिक थी। सब कुछ सिमिलर है। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। 12 साल भ्रमण वगैरह उनका रहा। And finally, at the age of 42, at Jirimbikgram, somewhere in Kundagrama near Vaishali, northern Bihar Vaishali, he attained Kevalin, that is enlightenment, or Kevalin, परम ज्ञान, perfect knowledge, जिसको परम ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कहते हैं केवलिन। और वो केवलिन इसलिए बन पाए कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया था। He was conqueror of his senses, और जो अपने senses को conquer करता है उसे जैनिज्म में जिन कहा गया। जिन शब्द का मतलब conqueror of senses, और जिन के follower कहलाए जैन। तो इस तरीके से जैनिज्म बना और उनको महावीर भी कहा लोगों ने। ही वॉज अ ग्रेट हीरो एज ही मूव्ड ऑन अ वेरी टफ पाथ एंड लेट अस फॉलो द पाथ ऑफ आवर मास्टर। अपना वो प्रचार करते रहे और 468 बीसी में पावापुरी राजगीर के पास उनकी डेथ हो जाती है। पावापुरी राजगीर के पास ही डाइड। क्या टीचिंग्स उनकी रही? टीचिंग्स उनकी ये रही कि उन्होंने 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स दिए। जैनिज्म में 5 प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। 5 महाव्रत, जो मॉन्क्स के लिए तो कठिन है तो महाव्रत कहलाते हैं। आम जनता के लिए उनका रूप थोड़ा आसान है तो अणुव्रत कहलाते हैं। अणुव्रत महाव्रतों को ही कहते हैं। वन शुड नॉट किल, अहिंसा। वन शुड नॉट लाई, दैट इज वन शुड बी ट्रूथफुल, ट्रुथ। अस्ते, डू नॉट स्टील, नो स्टीलिंग। अपरिग्रह, डू नॉट बॉन्ड, डू नॉट होल्ड प्रॉपर्टी। एंड बी इन कंट्रोल, दैट इज ब्रह्मचर्य। सो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य आर द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। ये जैनिज्म के 5 बेसिक प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। ये जैनिज्म की कोर टीचिंग हुआ करती है। जैसे बुद्धिज्म में वैदिक धर्मों के अगेंस्ट बात कही गई थी, ऐसे ही जैनिज्म में वैदिक धर्म के अगेंस्ट बोला गया है। और यहाँ पर भी नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा को काफी इम्फेसिस दिया गया है। जैनिज्म में कहा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो गॉड, इफ एट ऑल गॉड इज देयर फर्स्ट कम्स जिना। बुद्धिज्म में सोल वगैरह पे विश्वास नहीं है, लेकिन जैनिज्म में सोल पे बहुत विश्वास होता है। कहा जाता है जैनिज्म में हर वस्तु में, हर दुनिया की हर चीज में होता है जीवन, लेकिन एक सेंस तो हर एक में होता है। इसलिए सोलफुलनेस पे बहुत एम्फेसिस है। इसलिए किसी को भी नष्ट नहीं कर सकते। यही से प्रिंसिपल निकलता है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। जैनिज्म के प्रिंसिपल से मतलब हर चीज में जीवन होता है, यहाँ से निकलता है लिव एंड लेट लिव। ये जैनिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हो जाती हैं। जैनिज्म में भी काउंसिल्स हुई। फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई, क्योंकि जैनिज्म के मॉन्क्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे। मगध में एक अकाल पड़ा है और कुछ मॉन्क्स साउथ इंडिया चले गए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्र बाहू। 12 साल बाद लौटते हैं तो देखा है कि जो नॉर्थ में रह गए थे उन्होंने धर्म में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं। वो उन्होंने सफेद वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे, जबकि वर्धमान महावीर ने नेकेडनेस मतलब वन शुड नॉट वियर एनीथिंग का सिस्टम शुरू किया था। इसी को लेकर मीटिंग होती है पाटलिपुत्र में और डिवीजन हो जाता है। उसके बाद जो ओल्ड बुद्धिज्म फॉलोवर करते रहे, मतलब जो नेकेडनेस फॉलो करते रहे, वो कहलाए दिगंबर। और सफेद वस्त्र जो कंटिन्यू करते रहे वो कहलाए श्वेतांबर। पहली मीटिंग का चेयरमैन स्थूल बाहु हुआ करता था। 1000 साल बाद होती है सेकंड जैना काउंसिल इन वल्लभी इन गुजरात। यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। और धार्मिक ग्रंथों में अंग है, उपंग है, प्रकीर्ण है, छेद सूत्र है, मूल सूत्र है। ये किताबों के ग्रुप्स के नाम है। ये सारा धार्मिक साहित्य जैनिज्म का हुआ करता है। तो जैनिज्म वाज दिस वन। फिर ये था रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म, जैनिज्म अराइज हुए। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये था वैदिक एज के बाद की स्टेट फॉर्मेशन हुई थी और एक षोडश महाजनपद थे, 16 बड़े राज्य थे, उनमें मगध, कौशल, वत्स एंड आवंती ये चार बड़े राज्य होते हैं। वैसे तो पंजाब और अफगानिस्तान की तरफ पाकिस्तान गांधार काम्बोज है, मत्स्य है, राजस्थान है, दिस वन चेदी है, बुंदेलखंड है, कुरु है दैट इज दिस हरियाणा, पांचाल है, विदेह है, इस तरीके से अशमक है महाराष्ट्र का एरिया, इस तरीके से अंग है भागलपुर, इस तरीके से षोडश महाजनपद है। लेकिन इनमें चार महाजनपद बड़े होते हैं और इन्हीं में एक है आवंती, मध्य प्रदेश का एरिया जिसकी कैपिटल है उज्जैनी और आवंतिका। उज्जैन का पुराना नाम आवंतिका है। उधर नॉर्थ सेंट्रल और नॉर्दर्न यूपी दैट इज कॉल्ड कौशल और कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। वत्स एक छोटा सा राज्य है जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। ग्रेजुअली मगध इन सबको कैप्चर कर लेगा और एक ऑल इंडिया एम्पायर बना डालेगा। अब मगध कैसे राइज हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो मगध पे शासन किया कई डायनेस्टीज ने और फर्स्ट डायनेस्टी का नाम हरियंक डायनेस्टी था जिसका फाउंडर बिंबिसार था जो कि कंटेम्परेरी था बुद्ध और महावीर का। जो लोग लेट आए हैं वो समझ लें, हम लोग पिछले लेक्चर का रिविजन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो हरियंक डायनेस्टी मगध की पहले शासक है। बिंबिसार वॉज कंटेम्परेरी ऑफ बुद्ध एंड महावीर एंड रूल्ड फ्रॉम राजगीर। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगीर जिसका एक नाम गिरिव्रज भी है, मतलब 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर, पुराना शहर भारत का राजगीर है बिहार में, जिसका पुराना नाम गिरिव्रज भी हुआ करता है, वहां रूल करता था। इसके बाद अजातशत्रु आता है, वो एक नई कैपिटल बनाना चाहता है पाटलिग्राम में, लेकिन अभी वो तैयार नहीं कर पाएगा। उसने कौशल राज्य को कैप्चर किया है और उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी राजगीर में कराई है। आगे चल के इसी डायनेस्टी में एक राजा उदयन होगा, वो पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र में कन्वर्ट कर देगा। हरियंक रूल कर रहे हैं। हरियंकों के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आ जाती है, इनका फाउंडर शिशुनाग है। वो आवंती को कैप्चर कर लेगा और आवंती पहले से वत्सों को कैप्चर कर चुका है। इस तरीके से पूरा यूपी एंड बिहार का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हैड बिकम मगध एम्पायर बाय द टाइम ऑफ शिशुनाग। इसी डायनेस्टी में एक राजा होगा काल अशोक, जिसका रेफरेंस सिर्फ हमको मिलेगा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए जो उसने वैशाली में करवाई थी। इनके तुरंत बाद आ जाते हैं नंदा डायनेस्टी, नंद वंश। महापद्म नंद इनका फाउंडर है और महापद्म नंद के समय, नंदों के समय, इंडस क्षेत्र से लेकर और उड़ीसा, बंगाल तक नॉर्थ इंडिया का सारा एरिया वाज मगध एम्पायर, मतलब उत्तर भारत का साइजेबल एरिया हैड बिकम मगध एम्पायर बाय द टाइम ऑफ नंदास। 9 राजा इसमें हैं और आखिरी राजा है धनानंद। जब धनानंद रूल कर रहा है मगध में तभी 326-27 BC के आसपास इंडिया फेस्ड इन्वेजन ऑफ हु, अलेक्जेंडर। मैसिडोन एक ग्रीक स्टेट है जिसका राजा अलेक्जेंडर वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। अलेक्जेंडर भारत की तरफ आता है और लैंड रूट से आया था। अलेक्जेंडर ने फिर वहां पर तक्षशिला कैप्चर किया है। तक्षशिला सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी भी मानी जाती थी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी थी। तक्षशिला एक किंगडम का पार्ट भी है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और झेलम और चेनाब नदी के बीच का जो राजा है झेलम क्षेत्र का, उसका नाम पोरस है, उससे लड़ाई लड़ता है। इस तरीके से पहली इंपॉर्टेंट बैटल होती है बैटल ऑफ झेलम, जिसमें पोरस हार जाता है। अलेक्जेंडर आगे बढ़ता है। ब्यास नदी पे जब वो उसके बैंक्स पे कैंपिंग कर रहा है और नंदों से उसकी लड़ाई होगी तभी उसकी आर्मी में विद्रोह हो जाता है और विद्रोह का दमन ना कर पाने की वजह से वो वापस चला जाता है। अलेक्जेंडर हैड टू गो बैक। और इस तरीके से कह दिया गया कि वो राजा जिसने दुनिया को हराया अपने लोगों से ही हार गया, दैट वाज अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर हैड टू गो बैक और उसका आगे चल के उसकी डेथ हो जाती है। अलेक्जेंडर अरिस्टोटल का शिष्य हुआ करता था, अरस्तु जिसे कह देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी, ऑल्सो गिव लॉट ऑफ कंसेप्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड ही वाज ऑल्सो मास्टर ऑफ अलेक्जेंडर इट इज सेड। तो इन दिनों 4th सेंचुरी BC के आसपास अरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर वाज देयर हुआ करता था। इन्हीं दिनों तक्षशिला का एक आचार्य है जिसका नाम है कौटिल्य एंड कौटिल्य वांटेड टू क्रिएट अ वेरी बिग एम्पायर ऑन दिस जम्बूद्वीप, भारत का नाम जम्बूद्वीप। सो ही वांटेड टू क्रिएट दिस एम्पायर एंड ही found a child of 14 years called Chandragupta Maurya, whom he nurtured in the art of governance and various other things which are required to run a government. And finally, when he came of age, जब वो तैयार हो जाएगा तो वो फिर वो लीड करेगा चंद्रगुप्त मौर्य को और हरवा देगा नंदों का आखिरी राजा धनानंद को। इस तरीके से मगध पे आ जाते हैं चौथे शासक मौर्यन डायनेस्टी और अब बन जाएगी ये ऑल इंडिया एम्पायर। तो वी आर डिस्कसिंग मगध एम्पायर और अब आ जाते हैं मौर्यों पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, मौर्यन एम्पायर। सो दिस इज मौर्यन एम्पायर। लेट अस सी, वी हैव जस्ट रिवाइज्ड द लास्ट लेक्चर Indian history, and we are discussing the first empire in India, that is Magadha Empire, and we have discussed that on Magadha ruled various dynasties, and the fourth dynasty was Mauryan dynasty. Mauryan dynasty, which ruled on Magadha from 321 to 185 BC, कुछ इन दिनों रूल करते थे मगध पे, भारत पे मौर्य, मतलब मगध एम्पायर पर रूल करने वाले एक वंश का नाम मौर्यन डायनेस्टी हुआ करता था। तो मौर्यन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। इट वॉज फाउंडेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको फाउंड किया है, एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ Kautilya, he defeated Nandas, धनानंद, नंदों को वो हरा देता है अंडर द सुपरविजन ऑफ Kautilya। इट वॉज Kautilya हु एडवाइज्ड हिम, एंड हाउ ही डिफीटेड नंदास एंड बिकेम द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी is the subject matter of a book called किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हराया है और एक साम्राज्य बनाया है। ये संस्कृत की किताब है, विशाख दत्त। आगे चल के एक ऑथर होगा विशाख दत्त, ही रोट अ बुक कॉल्ड मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? Mudra Rakshas deals with how Mauryan Empire came into being, how Mauryan dynasty was founded, or specifically how Chandragupta Maurya specifically defeated Dhanananda under the supervision of Kautilya। कैसे तैयार किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, कैसे मौर्य साम्राज्य बना, इसके बारे में संस्कृत की किताब है मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त ने आगे चल के लिखी है। ये मौर्यों के ओरिजिन से संबंधित किताब हुआ करती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को रिप्लेस कर दिया है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य फॉट अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर। वो वाज ही अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उसका आर्मी जनरल भारत की तरफ आ गया है, उसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर उस लैंड को लेना चाहता है जिसपे कभी अलेक्जेंडर ने हमला किया था और एक्वायर किया था। इसलिए एक बैटल होती है बिटवीन सेल्यूकस निकेटर, द ग्रीक आर्मी जनरल, नाउ ही हैड बिकम किंग ऑफ द रीजन बियॉन्ड इंडस रिवर, एंड ही वांटेड टू टेक बैक दैट एरिया व्हिच वाज वंस कैप्चर्ड बाय हिज मास्टर अलेक्जेंडर। तो ग्रीक अफगानिस्तान क्षेत्र में एक सेल्यूकस निकेटर नाम का ग्रीक राजा आ जाएगा जिसके साथ लड़ाई होगी। इसके बाद इनके बीच में एक संधि भी साइन हो जाएगी। बैटल किसके फेवर में गई ये तो नहीं पता लगता, लेकिन इनमें एक समझौता हुआ, और समझौते में एक इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि सेल्यूकस ने भेजा है अपना एम्बेसडर मेगास्थनीज टू इंडिया। इस तरीके से भारत आया है एक ग्रीक एम्बेसडर, नाम था मेगास्थनीज। So the first important traveler who came to India was Megasthenes. Megasthenes came from the court of a Greek king Seleucus Nicator. He came in the court of Chandragupta Maurya, and Megasthenes was the first important foreign traveler to India. And Megasthenes wrote about India a book by the name of Indica. उसने फिर भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा है, किताब लिखी है, किताब का नाम है इंडिका। सो इंडिका बेसिकली द फर्स्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट बाय ए फॉरनर अबाउट इंडिया, व्हाट मेगास्थनीज सॉ, ही रोट इन अ बुक कॉल्ड इंडिका। ग्रीक भाषा में भारत के बारे में किताब मिलती है इंडिका, रिटन बाय मेगास्थनीज हु केम इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ही केम फ्रॉम द कोर्ट ऑफ सेल्यूकस निकेटर, एंड ही वाज अ ग्रीक एम्बेसडर हु लिव्ड इन इंडिया फॉर सम टाइम, एंड रोट अ बुक इन ग्रीक लैंग्वेज कॉल्ड इंडिका। तो उसने इंडिका किताब लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मैंने आपको बताया था जैनिज्म में एक फेमिन पड़ा है, बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, जिसे हिस्ट्री में कह देते हैं अ ग्रेट फेमिन ऑफ मगध। मगध में एक बड़ा अकाल पड़ा है, और उसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि there had taken place a migration of Jaina monks, जैनिज्म में बताया था। तो मौर्यों के समय मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है और कई सारे जैन मॉन्क्स साउथ इंडिया माइग्रेट कर जाते हैं और उसी में शामिल हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। Chandragupta Maurya had become a Jaina monk and he became part of that particular group. वो जैन फॉलोवर बन गया है, जैनिज्म फॉलो करने लगा है और भद्र बाहु के साथ वो ग्रुप में शामिल होता है और वो उनके साथ शामिल होकर चला जाता है कहाँ, कर्नाटक। बाकी मॉन्क्स तो वापस आ गए लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य लिव्ड ओवर देयर, वहीं रह जाएगा और वहां पर ये जैनिज्म का प्रसार करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि विच मौर्यन किंग बिकम अ जैन मॉन्क? इट वाज चंद्रगुप्त मौर्य and he joined the group which was migrating to South India in the time of famine conditions and he became a saint over there and remained over there until he died over there. वहीं रहेगा और जैनिज्म का प्रचार प्रसार करेगा, वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए who introduced and propagated Jainism in South India, तो आपका आंसर भद्रबाहु ना होकर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य introduced and he propagated Jainism in South India, वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य जब गया था तो उसका बेटा बिंदुसार मगध का राजा बना था। तो दिस वाज चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही वाज फॉलोड बाय हिज सन बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर मगध का राजा है बिंदुसार, उसका बेटा बिंदुसार बिंदुसार ऑल्सो कॉल्ड Amitrochates, that is Amitrghat। एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक किताबों में, भारत के बहुत सारे ग्रीक रिकॉर्ड्स लिखे गए इन दिनों जैसे इंडिका थी, चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक किताबों में बोला गया था सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया था सेंड्रोकोटस। ऐसे ही बिंदुसार का नाम ग्रीक किताबों में मिलता है अमित्रोकेट्स, अमित्रोकेट्स इन ग्रीक बुक्स। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि उसका टाइटल था अमित्रघात, वन हु इज डेंजरस फॉर हिज एनिमीज, जो उसके मित्र नहीं है उनके लिए वो डेंजरस है, घातक है, तो इसको अमित्रघात हिस्ट्री में कहते हैं। शायद इसी का बिगड़ा हुआ रूप है अमित्रोकेट्स, वैसे उसका रियल नाम बिंदुसार होता था। तो यूरोपियन किताबों में इस राजा का नाम अमित्रोकेट्स मिलता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को वो सेंड्रोकोटस कहते हैं। तो कहते हैं सेंड्रोकोटस के बाद मगध का राजा था अमित्रोकेट्स, शायद टाइटल को ही नाम समझ रहे हैं, वैसे उसका नाम बिंदुसार था। तो हुआ करता है राजा बिंदुसार। बिंदुसार के समय एक रिवोल्ट होता है तक्षशिला में, ये मौर्यों के पास है तक्षशिला, यह रिवोल्ट होता है। इस रिवोल्ट का दमन बिंदुसार का बड़ा बेटा सुशील नहीं कर पाएगा, वो इस प्रांत का गवर्नर है। फिर बिंदुसार ने बुलाया है अशोक को। सो तक्षशिला का विद्रोह हुआ बिंदुसार के समय, उसका सप्रेशन किसने किया? अशोक ने। द ओनली रिवोल्ट रिपोर्टेड इन द होल मौर्यन सिस्टम वॉज रिवोल्ट एट तक्षशिला। बहुत अच्छा गवर्नेंस सिस्टम था मौर्यों का, लेकिन एक विद्रोह जरूर रिपोर्ट होता है, वो तक्षशिला में हुआ है। और सुशीम जो अशोक का बड़ा भाई है, गवर्नर है तक्षशिला का, वो उसका दमन नहीं करेगा, तो अशोक वॉज कॉल्ड बाई बिंदुसार एंड अशोक सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला। अशोक यहाँ का गवर्नर बन के भी काम करेगा। बिंदुसार वॉज फॉलोवर ऑफ आजीवक संप्रदाय। एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए, ये बिंदुसार फॉलो करता है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय एंशिएंट इंडिया का एक संप्रदाय है, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म है। वो बड़े धर्म बन गए, ये बड़ा धर्म नहीं बन पाया। एक 6th सेंचुरी BC का संप्रदाय है जिसका जो विश्वास करता था डेस्टिनी पर, नियतिवाद पर। ये क्वेश्चन भी आपके पीएसयू में काफी पहले आ चुका है, विच एंशियंट सेक्ट यूज्ड टू बिलीव इन डेस्टिनी, कि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, सब कुछ पहले से तय है, नीतिवाद पे चलता था। वो था आजीवक संप्रदाय, बुद्धिज्म जैनिज्म के समकालीन था। जब बुद्धिज्म जैनिज्म थे तभी होता था दिस वन आजीवक। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय फॉलो करता था। आजीवक संप्रदाय 6th सेंचुरी BC का एक रिलीजन था या सेक्ट था, संप्रदाय था, जो डेस्टिनी पे बिलीव करता था, मतलब सब कुछ पहले से तय है, हमारे एक्शंस हमारे फ्यूचर को बदल नहीं सकते, ऐसा बताते हैं। बताया गया कि बिंदुसार को एक आजीवक मॉन्क ने बताया कि वन ऑफ योर सन्स हैज टू बिकम अ ग्रेट किंग ऑफ दिस लैंड, आपके एक बेटे को इस लैंड का बड़ा राजा बनना ही है, ये उसकी डेस्टिनी है, ऐसा बताया गया। और वो आगे चलकर जो उसने कहा था, प्रोफेसी या प्रोडिक्शन दिया था, वो सही हुआ। और आगे चलकर अशोक द सन ऑफ बिंदुसार ही बिकेम द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो बिंदुसार की डेथ हो जाती है। बिंदुसार की डेथ के बाद बिंदुसार के पुत्रों में लड़ाई हुई है और इस लड़ाई में फाइनली अशोक बिकेम विक्टोरियस एंड देन अशोक रूल्ड। अशोक ने कुछ इस समय रूल किया है, पूछा कभी नहीं जाता, बट जान लीजिए। सो बिंदुसार का बेटा अशोक है। सो 3rd सेंचुरी BC में अशोक रूल्ड इंडिया। अशोक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सो अशोक बिकेम किंग। फर्स्ट 8 years जनरल रूल उसका रूल रहा, जैसे और राजा रूल करते हैं वैसे रूल करेगा, क्रूअल किंग की तरह रूल करता है पहले 8 साल। लेकिन 260 BC में 8वें साल बाद अशोक फॉट कलिंग वॉर। 8 साल तो उसने बहुत, जैसे और राजा होते हैं क्रूअल राजा, बल्कि बताया गया बड़ा क्रूअल हुआ करता था, वो क्रूअल राजा की तरह रूल करता है। लेकिन 8वें साल में उसने लड़ी है कलिंग वॉर, कोस्टल उड़ीसा, उड़ीसा का जो कोस्टल पार्ट है दैट वाज कलिंग, उसने कलिंग वॉर लड़ी है। एंड आफ्टर कलिंग वॉर में उसने बहुत बड़ा मैसेकर किया है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड इन द कलिंग वॉर। सो 8वें साल में, मतलब राजा बनने के 8वें साल में वो कलिंग वॉर लड़ता है। लेकिन कलिंग वॉर के बाद उसमें बहुत बड़ा चेंज आता है एंड अशोक डिसाइडेड दैट ही विल नॉट फाइट एनी वॉर एनी मोर। Which of the following was the result of Kaling War on Ashok? The result was this. After Kaling War, Ashok decided that he will not fight any war anymore. He renounced, मतलब छोड़ देता है, warfare का रास्ता छोड़ देता है। So the only war Ashok fought was Kaling War. उसने कलिंग को कैप्चर किया है। उसके बाद I have killed so many people and so many have been enslaved by me. अपने लेखों में लिखवाएगा, अभी लेख डिस्कस करेंगे। मैंने इतने लोगों को मारा है, इतने को बंदी बनाया है, अब ये सब खून खराबा देखते हुए मुझ में चेंज आया है और मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं वॉरफेयर नहीं लड़ूंगा। तो अशोक ने कलिंग वॉर के बाद वॉरफेयर नहीं लड़ी है, वो वॉरफेयर का रास्ता छोड़ देता है। कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, अशोक हैड बिकम फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। कुछ समय बाद अशोक ने बुद्धिज्म फॉलो किया है। अशोक एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म का फॉलोवर बन जाता है। कुछ समय बाद मैं बुद्धिज्म के बारे में जान चुका हूं और मैं कन्विंस्ड हूं बुद्धिज्म की टीचिंग से। आई हैव डिसाइडेड टू बिकम फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म एंड आई हैव बीन कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। आई हैव बीन कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय मॉन्क उपगुप्त। अशोक कहता है मुझे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले व्यक्ति का नाम उपगुप्त है, मैं उनसे कन्विंस हुआ हूं एंड आई हैव बिकम फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म एंड आई हैव बीन कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म बाय मॉन्क उपगुप्त। हिस्टोरियंस कहते हैं उपगुप्त नाम का तो कोई मॉन्क नहीं मिलता, लेकिन जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन था तिस्सा को ही शायद अशोक ने उपगुप्त कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्क उन दिनों तिस्सा ही हुआ करता था। क्यों अशोक ने उपगुप्त कहा, वी डू नॉट नो। So Ashoka was converted into Buddhism by a monk called Upagupta. Ashoka became a follower of Buddhism. वो बुद्धिज्म का फॉलोवर बन गया है। बुद्धिज्म से अशोक ने बहुत कुछ समझा एंड ही वॉन्टेड टू प्रोपेगेट हिज thoughts among his people, जो कुछ उसने समझा है, अपनी जो सोच बनाई है उसको वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है, और इसलिए उसने जारी किए हैं बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं अशोक के अभिलेख, अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अशोक ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए जारी किए हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस और इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक। अशोक ने बहुत सारे लेख लिखवाए हैं और पूरे भारत में लगाए थे। वो अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इस तरीके से हमको मिलते हैं पूरे भारत में अशोक के इंस्क्रिप्शंस। ये एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक हो जाता है अशोक के अभिलेख। तो देखते हैं क्या थे अशोक के अभिलेख। Ashok wanted to propagate among his people his thoughts. He decided to do it by issuing various inscriptions, Ashokan inscriptions. बोल देते हैं इनको Ashokan inscriptions. Ashokan inscriptions. दो तरीके के हुआ करते थे मोटे मोटे तौर पर, रॉक एडिक्ट्स, इनको एडिक्ट्स भी कह देते हैं, एंड पिलर एडिक्ट्स। अशोक के अभिलेख दो प्रकार के, कुछ तो पत्थर की शिलाओं पर लिखवा दिए गए हैं, कुछ पिलर्स पर, स्टोन पिलर्स पर लिखवा दिए गए हैं। तो अशोक इशूड 2 टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, शिला लेख एंड स्तंभ लेख। उसके दो तरीके के अभिलेख हैं, शिला लेख एंड स्तंभ लेख, जो मिल जाते हैं फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल, नेपाल टू कर्नाटक। मतलब पूरे भारत में मिले हैं अशोक के बहुत सारे अभिलेख। कांधार, जैसे कांधार अभिलेख मिला है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि कांधार अभिलेख। ऐसे कर्नाटक में मिले हैं, बंगाल में मिले हैं, और बीच में भी बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। मतलब और पूरे भारत में अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिल जाते हैं। तो अशोक ने इशू किए हैं बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस भारत में मिलते हैं, प्रेजेंट इंडिया में मिलते हैं, वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। तो ये क्वेश्चन आता है, अशोक के ज्यादातर लेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। और ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि पहली भारत की लिपि है। इंडस के लोग लिखना नहीं जानते थे, वेद उच्चारण करते थे। बाद में जब ब्राह्मी लिपि आई तब वेदों को, मंत्रों को लिखा गया था। ब्राह्मी इज ऑल्सो कॉल्ड मदर ऑफ ऑल इंडियन स्क्रिप्ट्स भी इसे बोल दिया जाता है। तो अशोक के सारे लेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। कुछ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दूसरी भाषा और लिपियों में है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक आर इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी लिपि। प्राकृत लैंग्वेज आम जनता की भाषा है। संस्कृत टफ लैंग्वेज है। संस्कृत शब्द का मतलब होता है परफेक्ट। संस्कृत शब्द का मतलब होता है, संस्कृत डिक्शनरी में देखेंगे तो परफेक्ट, लेकिन संस्कृत बिना सिखाए नहीं बोली जा सकती, उसमें उच्चारण शुद्ध होना जरूरी है। इसलिए आम जनता जो सुनी सुनाई लैंग्वेज बोलने लगी उसे कहते थे प्राकृत। प्राकृत शब्द का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, इम्परफेक्ट, मतलब सूत्र पिटक, सूत्र बोलना चाहिए, सूत्र बोल देते हैं। महाकश्यप, द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ही वाज महाकश्यप पाली में। महाकश्यप पाली प्राकृत एक ही फॉर्म है। तो अशोक के जो लेख हैं वो प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। अशोक चूंकि आम लोगों को संबोधित कर रहा है इसलिए उसने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल न करके प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो आम जनता से बात कर रहा है, आम जनता संस्कृत भाषा जानती नहीं है। इसलिए अशोक के इंस्क्रिप्शंस प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हुआ करते हैं। अशोक के लेख पूरे भारत में मिले। इनको पढ़ने का प्रयास हुआ, नहीं समझ पाए, प्राकृत भाषा डिसाइफर नहीं हो पाई। लेकिन 1837 में एक ये नाम याद रहे तो ठीक है, आपके एग्जाम में शायद ना भी आए। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है और एक हिस्टोरियन है जेम्स प्रिंसेप, आर्कियोलॉजिस्ट है जेम्स प्रिंसेप। 1837 में जेम्स प्रिंसेप वाज द वन हु डिसाइफर्ड दीज इंस्क्रिप्शंस। उसने इन लेखों को पढ़ लिया है, मतलब उसने प्राकृत भाषा पढ़ ली है, और उसने बताया कि जिस राजा ने इन अभिलेखों को जारी किया है उसका नाम है देवनाम पिय दसी। वो कहता है हर लेख के शुरू में राजा बोलता है आपसे बात करता है देवनाम पियदसी, तो राजा का नाम है देवनाम पियदसी। ये बता पाया कौन? जेम्स प्रिंसेप। मतलब अशोक ने अपने लेखों में अपने आप को बोला है मैं हूं देवों का प्रिय, आई एम बिलवेड ऑफ गॉड्स, अपने आप को कहता है मैं हूं देवों का प्रिय। तो हर लेख के शुरू में यही है, दस स्पीक्स टू यू देवनाम पियदसी, मतलब आई एम बिलवेड ऑफ गॉड्स। प्राकृत का मतलब इंग्लिश में हो जाएगा आई एम बिलवेड ऑफ गॉड्स। तो पहले यही माना जाता रहा कि इस राजा का नाम देवनाम पियदसी है। आगे चलकर एक अभिलेख मिलता है मास्की में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के मास्की में, इसका नाम है मास्की अभिलेख। और भी हैं लेकिन आप मास्की याद रखेंगे। मास्की अभिलेख में जो कर्नाटक में मिला वहां पे अशोक ने अपना नाम इस्तेमाल किया है अशोक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस अशोक यूज्ड हिज रियल नेम, तो आपका आंसर हो जाएगा मास्की अभिलेख में, वरना तो वो अपने आप को कहता है देवनाम पियदसी। और दो तीन अभिलेख हैं जहां अशोक ने अपने आप को अशोक कहा है, ज्यादातर में अपने आप को कहता है देवनाम पियदसी। तो याद रखना है कर्नाटक में मास्की में मिला है अभिलेख, वहां अशोक अपने आप को अशोक कहता है, अदरवाइज ही यूजेस हिज नेम देवनाम पियदसी। अशोक के सभी लेखों में सबसे इंपॉर्टेंट है 13वां शिला लेख, 13th रॉक एडिक्ट, 13वां शिला लेख। हिस्टोरियंस ने इनको नंबर दे दिए हैं, पहला शिला लेख, दूसरा शिला लेख। तो अशोक के सभी लेखों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 13वां शिला लेख, 13th रॉक एडिक्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे हमको दो बातें पता लगती हैं। एक तो इससे पता लगता है कि अशोक ने खुद एडमिट किया है I have killed so many people and so many have been enslaved by me। क्वेश्चन आता है कलिंग वॉर के हॉरर्स के बारे में राजा खुद कहाँ एडमिट करता है या किस अभिलेख से मिलता है? आपका आंसर हो जाएगा 13th रॉक एडिक्ट। यहाँ ही टॉक्स अबाउट हॉरर्स ऑफ कलिंग वॉर। वो कहता है कि मैंने इतने लोगों को मारा है, और यहीं पर वो ये भी बोलेगा क्योंकि मैंने ऐसा किया है इसलिए मैंने वॉरफेयर का रास्ता छोड़ दिया है। यही अशोक कह देगा आई हैव रिनाउंस्ड वॉरफेयर, प्रोनंसिएशन ऑफ वॉरफेयर। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अशोक के बारे में हमको पता लगते हैं 13वें शिलालेख से, जहां अशोक कहता है कि आई हैव सिंस आई हैव किल्ड सो मेनी पीपल आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल रिनाउंस वॉरफेयर। अब मैं लोगों पे विजय तो प्राप्त करूंगा लेकिन वो धम्म विजय होगी, मिलिट्री विजय नहीं होगी। अब मेरे एम्पायर में लोगों को नगाड़ों की आवाज सुनाई नहीं देगी, मतलब जब वॉर ड्रम बजता है तो वॉर की शुरुआत होती है। नो मोर पीपल विल हियर इन माई एम्पायर द साउंड ऑफ वॉर ड्रम, पीपल विल हियर द साउंड ऑफ धम्मा, मतलब लोगों में मैं नैतिकता की बातें फैलाऊंगा। यहीं से हम कंक्लूड कर लेते हैं कि अशोक अनाउंस्ड वॉरफेयर। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको 13वें शिलालेख से मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक इज 13th रॉक एडिक्ट, जहां से हमको दो बातें पता लगती हैं। ये अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं। अशोक के इंस्क्रिप्शंस में एक इंस्क्रिप्शन दो भाषाओं में है, बस आपको याद रखना है बाइलिंगुअल। कभी आ जाए क्वेश्चन कौन सा इंस्क्रिप्शन है? कांधार, जो कांधार इंस्क्रिप्शन है वो दो भाषाओं में है, बाइलिंगुअल है, मतलब दो भाषाओं में ट्रांसलेशन है उसका। तो कांधार इंस्क्रिप्शन जो अशोक का है दैट इज बाइलिंगुअल, बाकी प्राकृत में और कुछ और भाषाओं में लिखे हुए हैं। Many of them are in Prakrit language. Kandhar inscription is bilingual. ये दो भाषाओं में लिखा हुआ है। अशोक के अभिलेख पूरे भारत में मिल जाते हैं। रोड के पेस के किनारे लगाए गए थे ताकि पासवर्ड्स भाई इनको पढ़ते चलें। अब इनका सब्जेक्ट मैटर क्या है? अशोक के अभिलेखों में जो लिखा हुआ है उसे कहते हैं अशोकास धम्मा। बेसिकली अशोक ने आम जनता को एक सही आचरण का उपदेश दिया है। उसने बुद्धिज्म की बात नहीं की है, उसने कहा है लोगों को ऐसा ऐसा करना चाहिए, जिसे अशोका धम्मा कह देते हैं। धर्म नहीं है लोग सही रास्ते पे चलें, इसके बारे में वो लिखवाता है अपने पिलर्स पर और रॉक्स पर प्राकृत भाषा में। तो अशोकास धम्मा और व्हाटएवर हैज बीन रिटन ऑन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक इज नथिंग बट ए सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। लोगों को बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने गुलामों के साथ सही व्यवहार करना चाहिए, पशुओं को नहीं मारना चाहिए, सभी धर्मों के लिए समान भाव होना चाहिए। मतलब जो समाज में ठीक बातें होती हैं वही लोग फॉलो करें, यही मैसेज अशोक ने अपने अभिलेखों से दिया है। हिस्टोरियंस इसका नाम कहते हैं अशोकास धम्मा। अशोकास धम्मा वाज नॉट अ रिलीजन, इट वाज जस्ट अ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पीपल टू फॉलो। इफ दे फॉलो दिस लाइक मी दे कैन ऑल्सो बिकम बिलवेड ऑफ गॉड्स। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे देवनाम पियदसी, जैसे मैं बना हूं देवनाम पियदसी, बिलवेड ऑफ गॉड्स। इसलिए सही आचरण रखिए, सही कंडक्ट करिए, ये अशोक कहना चाहता है अपने अभिलेखों में। ये कुछ ब्रीफ में मैंने आपको बताया अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में। अशोकन इंस्क्रिप्शंस। वंस अशोक विजिटेड लुम्बिनी। व्हाट वाज लुम्बिनी? द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध वाज बॉर्न। अशोक विजिट करता है लुम्बिनी, लुम्बिनी की यात्रा करता है, और यहां पर उसने जब वो पहुंचा है he issued यहां पर उसने एक और इंस्क्रिप्शन जारी किया है, ल्यूमिन देई पिलर इंस्क्रिप्शन या लुम्बिनी पिलर अभिलेख। उसका एक नेपाल में भी पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है, कहलाता है लुम्बिनी का मॉडर्न नाम ल्यूमिन देई पिलर। ल्यूमिन देई मतलब लुम्बिनी। तो अगर लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन आ जाए, ल्यूमिन देई किताब में आपको एनसीईआरटी में यही मिलेगा। तो अशोक ने एक जब ये पहुंचा है लुम्बिनी तो इसने एक और अभिलेख जारी किया है, और यहां पर ये कहता है कि ये प्लेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ शाक्य मुनि। द प्लेस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ शाक्य मुनि। शाक्य मीन्स ट्राइब ऑफ गौतम बुद्ध। अशोक ने गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि बोला है, किसमें? लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन में। This place is important for me because here was born Shakya Muni, that is Gautam Buddha. Hence, यहाँ के लोगों को मैं टैक्स में एग्जम्पशन देता हूँ। वैसे तो पूरे एम्पायर से मैं 1/4 से 1/6 तक लेता हूँ, लेकिन लुम्बिनी के लोगों से मैं प्रोड्यूस का, उपज का 1/8 भाग लूंगा because Lumbini is important for me, being the birthplace of Lord Buddha, that is he calls him Shakya Muni. अशोक ने किस क्षेत्र के लोगों को टैक्स में राहत दी? आपका आंसर होगा लुम्बिनी के लोगों को। क्यों दी? बिकॉज लुम्बिनी वाज इम्पोर्टेंट फॉर हिम एज हियर वाज बोर्न गौतम बुद्ध। ये सब हमको कहां से पता लगता है? एक उसने अभिलेख जारी किया है नेपाल में, नाम है ल्यूमिन देई पिलर इंस्क्रिप्शन और लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन। मैंने आपको बताया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अशोक ने यह डिसाइड किया था कि आई विल स्प्रेड बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर भी बुद्धिज्म जाए। इस दिशा में उसने फिर इस सोच के हिसाब से उसने कवि का कई जगह फिर सेंट्स मॉन्क्स भेजता है। ऐसे ही उसने सेंट हिज ओन चिल्ड्रन महिंदा एंड संघ मित्ता टू श्री लंका। लंका में बुद्धिज्म किसने प्रोपेगेट किया? अशोक के बेटे महेंद्र और डॉटर संघमित्रा और संघमित्ता। He sent his own children, son महेंद्र and daughter संघमित्र to लंका। So, लंका एक और सेंटर बुद्धिज्म का बना, पुराना नाम सीलोन हुआ करता था, 1970s में नाम हो गया इसका श्रीलंका। तो इन लंका द बुद्धिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा। अशोक के बच्चों ने बुद्धिज्म वहां पर प्रोपेगेट किया है। तो इस तरीके से लंका में बुद्धिज्म आ जाता है। अशोक रूल्ड ओवर ए वेरी वेरी लार्ज एम्पायर, और अशोक के रहते हुए एम्पायर का कुछ भी भाग एम्पायर से बाहर नहीं गया और उसने अच्छी तरीके से रूल किया है। लेकिन अशोक की डेथ हो जाती है 232 BC में, और उसकी डेथ के बाद एम्पायर का डिवीजन हो जाता है और आने वाले 50 साल में उसकी एम्पायर खत्म हो जाती है। लास्ट किंग था मौर्यों का बृहद्रथ, अशोक के बाद 7वां राजा था बृहद्रथ, लास्ट मौर्यन किंग वॉज बृहद्रथ, विद इन 50 years, 185 तक ये खत्म हो जाएगा। लास्ट मौर्यन किंग वॉज बृहद्रथ, बृहद्रथ वॉज किल्ड बाई हिज ओन आर्मी जनरल पुष्यमित्र। बृहद्रथ वॉज किल्ड बाई हिज ओन आर्मी जनरल पुष्यमित्र शुंग। ये क्रूर राजा है, मगध की जनता इसको लाइक नहीं करती है, तो वो जो सेनापति है मौर्यन आर्मी का उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग को मगध के लोग सपोर्ट करते हैं। एंड शुंग किल्ड द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ एंड नाउ ही बिकेम द किंग ऑफ मगध एम्पायर। मतलब मौर्यों के बाद जो मगध के पांचवें शासक आते थे वो थे शुंग डायनेस्टी। तो क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज मौर्यन एम्पायर केम टू एन एंड। तो आपका आंसर होगा रिवोल्ट बाय एन आर्मी जनरल। एक सैन्य कमांडर के विद्रोह से खत्म हुई थी मौर्यन एम्पायर। 185 BC में बृहद्रथ द लास्ट मौर्यन किंग, 7th आफ्टर अशोक, वॉज किल्ड एंड दिस वे मौर्यंस वर supplanted by 5th dynasty on Magadha called Shunga dynasty. तो सबसे पहले हरियंक, then Shishunaag, then Nand, 4th were Mauryan, and by the time of Mauryas, the whole of this India, लगभग कर्नाटक से लेकर नेपाल, बंगाल, अफगानिस्तान के बॉर्डर्स तक ये सारी की सारी बन गई है मौर्यन एम्पायर। एंड लास्ट मौर्यन किंग वॉज बृहद्रथ। दिस वे दिस एम्पायर केम टू एन एंड। इस तरीके से एम्पायर खत्म हो जाती है। This was some important features of Mauryan Empire. अब शुंगा डायनेस्टी हम बाद में लेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं मौर्यन कल्चर के बारे में। एक तो किताब लिखी गई अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य। एक किताब है अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य। इट इज अ बुक ऑन पॉलिटी। वैसे अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, बट द बुक इज ऑन पॉलिटी नॉट इकोनॉमिक्स। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन व्हाट। इट इज अ बुक ऑन पॉलिटी। कैसे राष्ट्र बनाए जाते हैं और कैसे चलाए जाते हैं, इससे संबंधित राजतंत्र, राज्य व्यवस्था, राजतंत्र, राज्य व्यवस्था से संबंधित किताब है अर्थशास्त्र। क्लासिकल संस्कृत में लिखी थी चाणक्य ने या कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त भी नाम मिल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट किताब अर्थशास्त्र है संस्कृत भाषा में। पॉलिटी पे है, स्पेस क्राफ्ट पे है, इकोनॉमिक्स पे नहीं है। वैसे अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। और एक किताब मैंने बताई थी आपको मुद्रा राक्षस, वो काफी बाद में लिखी गई, विशाख दत्त ने लिखी, किस तरीके से बनी थी मौर्यन एम्पायर। तो देयर वाज अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। अशोक ने बहुत सारे पिलर्स इरेक्ट किए हैं, अशोकन पिलर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इंडियन आर्ट के लिए। अशोकन पिलर्स टेपर्ड हैं, पत्थर के बने हुए हैं, यहां पर अभिलेख लिखाए जाते थे, इसके ऊपर ये उल्टा कमल बनाया जाता है, फिर ये पत्थर का एक शिला है जिसमें चार व्हील दिखाए जाते हैं और दो व्हील्स के बीच में एक एनिमल होता है। दिस पर्टिकुलर स्टोन एरिया पोर्शन शोज 4 धर्मचक्र हैविंग 24 स्पोक्स एंड 4 एनिमल्स। और हर दो धर्मचक्रों के बीच में एक पशु दिखाया गया है। तो कौन कौन से पशु दिखाए गए हैं? बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लायन। BHEL, the 4 animals which are shown on Ashokan inscription at this portion are called bull, horse, elephant and lion. Bull और elephant are the symbols of birth of Gautam Buddha. Bull and elephant are the symbols of birth of Gautam Buddha. गौतम बुद्ध लेफ्ट हिज होम ऑन हिज हॉर्स कंटक। तो ये सिंबल है। गौतम बुद्ध का खुद का सिंबल लाइन हुआ करता था, इसलिए ये अशोक की जितनी आर्ट है ये गौतम बुद्ध की लाइफ से संबंधित है। बुल एंड एलिफेंट आर सिंबल्स ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। सिंबल वर्शिप बताई थी मैंने हीनयान में आपको, ये वही सिंबल्स हैं। हॉर्स मीन्स रिनंसिएशन, परित्याग। अशोक ने दुनियावी जीवन को छोड़ा था, अपने घर छोड़ा था, तो हॉर्स का सिंबल बुद्धिज्म में होता है दुनियावी जीवन से अपने आप को अलग करना। और लॉयन इज द सिंबल ऑफ गौतम बुद्ध। तो ये चार पशु दिखाए गए हैं सर्कमफ्रेंशियली पुट। और ये जो टॉप स्कल्पचर है ये डिफरेंट है डिफरेंट जगह। कहीं पर सिंगल बुल है, कहीं पर सिंगल लॉइन है, कहीं फोर लॉइन्स हैं। तो अशोक के जितने भी पिलर्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सारनाथ पिलर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सारनाथ पिलर, जिसके टॉप पर दिखाए गए हैं फोर लाइंस। सारनाथ पिलर पे चार लाइंस दिखाए गए हैं। सीइंग द फोर डायरेक्शंस ऑफ द एम्पायर एंड स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ अशोक। ये जो सारनाथ पिलर का हिस्सा है, कमल का फूल नहीं, ये बन जाता है सोर्स ऑफ आवर नेशनल एम्ब्लेम। और इसी में जुड़ जाता है सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडक उपनिषद। सो ये वाला जो हिस्सा है, जो भारत सरकार का सिंबल भी है, राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये लिया गया है सारनाथ पिलर से, जहां फोर लाइन्स हैव बीन शोन। और उसके नीचे ये इतना हिस्सा ये नहीं आता है। तो सारनाथ पिलर, सांची पिलर पे भी चार लाइन हुआ करते थे, लेकिन आर्टिस्टिकली सबसे खूबसूरत है सारनाथ का पिलर। तो सारनाथ पिलर का ये हिस्सा बिकम द सोर्स ऑफ आवर नेशनल एम्ब्लेम अलॉन्ग विद सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडक उपनिषद। दिस इज अशोकन पिलर्स। स्टोन आर्ट की शुरुआत मौर्यों से हुआ करती है। भारत में स्टोन आर्ट की शुरुआत मौर्यों से होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट किताब है, इंडिका भी है, और ये अशोकन आर्ट हुआ करती है। ऑन दिस पोर्शन फोर धर्म चक्र, अशोकन धर्म चक्र शो 24 स्पोक्स। बुद्धिज्म का धर्म चक्र शोज 8 स्पोक्स, मतलब अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। ये धर्म चक्र 24 स्पोक्स दिखाता है और चार एनिमल दिखाता है, बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लाइन। तो ये अशोक के पिलर्स होते हैं जो पूरे भारत में जगह जगह मिल जाते हैं। अशोक कंस्ट्रक्टेड। अशोक कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप। अशोक कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास सांची। द बिगेस्ट स्तूप अशोक ने बनवाया है सांची स्तूप, मैंने आपको बताया था ये स्तूप होता है। सांची स्तूप, इसमें कैंपस बना देते हैं, सांची में जाएंगे, ये गेटवे हो जाते हैं, ये सिंबल हो जाता है स्तूप का। चार गेटवे बने हुए हैं और इसको सेमीडोमिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर पार्थिव अवशेष होते हैं, जब इसके चक्कर काटते हैं, इसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, पाथ ऑफ सर्कमएम्बुलेशन। जब ये चक्कर काटते हैं, यही अपनी पूजा करने का तरीका होता है। तो द बिगेस्ट स्तूप इन इंडिया इज सांची स्तूप कंस्ट्रक्टेड बाई अशोक। अशोक ने बनाए हैं सांची स्तूप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मौर्य आर्ट के। तो यहाँ से स्टोन आर्ट शुरू हो जाती है, पिलर्स बने हैं, रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, स्तूप बना है और किताब लिखी गई है। दिस इज आर द इम्पोर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ मौर्यास। है तो बहुत सारा, बट आपके लिए इतना सफिशिएंट है। अब मौर्यों के बाद फिर शुंग आ जाएंगे और फिर एक और डायनेस्टी आएगी, कानवास। इस तरीके से ये मगध एम्पायर खत्म हो जाएगी। तो यहीं रोकते हैं इसको। वी हैव कंप्लीटेड दिस मॉडर्न एम्पायर। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, कल्चर के बारे में बता दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको यही नोट्स बनाइए, अलग से नोट्स नहीं बनाने। आपकी एक क्वेरी है तो बता रहा हूँ, यही नोट्स हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं को लिखा कीजिए, यही आपके नोट्स हैं। और आपके लेवल के एग्जाम के लिए ये सफिशियंट हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज अबाउट The Mauryan Empire, which is the fourth ruling dynasty of Magadha. तो अगले लेक्चर में फिर हम बाकी का आइडिया देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।